सूर्य हो आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। शाहरुख खान आपके सामने नजर आ रहे हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो 10 दिनों में शाहरुख खान अपनी फिल्म, जो दूसरी फिल्म है एटली के साथ, उसका एक टीजर तक रिवील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एटली के साथ शाहरुख खान ने मिले थे, पिछले 1-2 सालों में बातें भी हो रही है। और राजा रानी थेरी बिग गिल और एक फिल्म है, और कौन सी फिल्म है, मैं अभी जस्ट विकिपीडिया देख रहा था, एक सेकेंड, मर्सल। तो कई सारी फिल्में एटली ऑलरेडी कर चुके हैं और उनमें से लास्ट 3 फिल्में की है थलपति विजय के साथ, और ये तीनों फिल्में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है। और अगर यहाँ पर एटली जो ज्यादातर डबल रोल ट्रिपल रोल इस तरह के रोल्स करवाते हैं अपने एक्टर्स से, उसके लिए जाना जाते हो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल होगा, ये आप जानते हैं खबर, राइट। दूसरी अपडेट ये भी आप जानते हैं कि इस फिल्म में नयनतारा होगी शाहरुख खान के अपोजिट में, राइट। यहाँ तक तो आप जानते हैं। अब यहाँ पे और जो अपडेट है वो मैं आपको साफ बताने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, आपसे यही गुजारिश है, अगर आपने बॉलीवुड के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा, साथ ही बेल बटन आइकन दबाना भूलेगा, ताकि कोई अपडेट आप चैनल से बिल्कुल ना मिस कर सके। तो नयनतारा इतनी सुंदर हीरोइन के साथ शाहरुख खान नजर आने वाले, वैसे भी हैंडसमनेस में तो किसी से कम नहीं है। और मुझे ये लुक देख ऐसा लग रहा है कि वो गाना गंगम स्टाइल वाला जो बंदा है वो ऐसे ही थोड़ा है, लुक है उसका, पता नहीं ऐसे अचानक आया, मुझे पता है बहुत घटिया लगा होगा आपको जो, बट ऐसे ही लगा मुझे थोड़ा। एनीवेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों की बात करता हूँ, आपको प्रॉपर वो आर्टिकल दिखाता हूँ कि बात एक्चुअली है क्या। बिहाइंड वुड्स ये साउथ की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और इस वेबसाइट ने ये खबर ब्रेक किया है। इस वेबसाइट का कहना ये है कि एटली कुमार की जो फिल्म है उसका टीजर, यानी कि जो शाहरुख खान के साथ है, वो मुंबई में बन रहा है, यानी कि शाहरुख खान की सेकेंड फिल्म आपने पठान जो है एटली की है, उसका टीजर मुंबई में उस पे काम हो रहा है, बन रहा है, और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 15 अगस्त को ये टीम जो है एटली नयनतारा शाहरुख खान ये अनाउंस करने वाले हैं, टीजर के साथ अनाउंस करने वाले हैं इस फिल्म के बारे में। और ये बहुत बड़ी अपडेट है, मैं इस खबर में बहुत ज्यादा आई थिंक ये बनाता भी नहीं शायद वीडियो, अगर ये खबर ब्रेक बॉलीवुड से हुई होती तो नहीं बनाता। ये खबर ब्रेक हुई है साउथ इंडिया से, और साउथ इंडिया से तमिल इंडस्ट्री से खबर ब्रेक हुई है, वहां की बड़ी वेबसाइट से ब्रेक हुई है, खबर भी कोई छोटी मोटी नहीं है। तो इस खबर का जो वेटेज है ये बहुत ज्यादा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि आप अगर मेरी जो नॉलेज है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप इस खबर पर 70-30% का विश्वास कर सकते हैं, या फिर 80-20 भी कर सकते हैं, आप 80% विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है और 20% नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरह के रूमर्स आते हैं। वैसे भी अगर एक चीज सिंपल सिंपल सी बात करूँ कि शाहरुख खान के बारे में पिछले 1 सालों में कितने रूमर्स आए, या 2-3 सालों में, है ना, बहुत कम आया, और हाल फिलहाल में तो काफी कम आया। पठान के बारे में जब से लोगों को पता चला उसके बाद से और किसी फिल्म के र्यूमर आए नहीं, और आए तो सिर्फ एटली की फिल्म के ही आए थे। राजकुमार हिरानी की भी फिल्म कर सकते हैं, बट अभी तक तो उस पर बहुत सारा क्लियरिटी नहीं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान की एटली फिल्म का अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि देखो पठान ऑलरेडी शूटिंग चालू है, ऑलरेडी काफी हद तक पोर्शन शूट होना बाकी है। इसका मतलब अगर शाहरुख खान वो फिल्म के लिए और एक शेड्यूल देंगे तो वो खत्म हो जाएगी फिल्म, और अगर वो खत्म हो गई तो शाहरुख खान उसके बाद क्या करेंगे। और यहाँ पर अगर शाहरुख खान ये फिल्म को सिग्नल दे दिए, जैसे मैंने कहा, और ये फिल्म के अनाउंसमेंट कर दिया अगस्त में, तो इससे जो पैन इंडिया अपील क्रिएट होगी ना शाहरुख खान के लिए, देखो नयनतारा साउथ की बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, शाहरुख खान और नयनतारा का जो कॉम्बो है ना वो डेडली है, और एटली शाहरुख खान को डुअल रोल में लेके आया, जैसे फैन में लेके आया था। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं डायरेक्टर लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक फिल्म को संभाल नहीं पाते हैं, एक जो बोलते ना कहीं ना कहीं फिल्म बोरियत हो जाती कि फिल्म देखते देखते। साउथ वाले ऐसे नहीं करते, उनकी 3-3 घंटे की फिल्मों में भी आपको एक्साइटमेंट लेवल बहुत मिलेगा, और वो यहाँ पे शाहरुख खान या जो भी एक्टर हो साउथ इंडिया वाले, उनको जो उनका जो करेक्टर होता है वो बहुत ही डेप्थ लेकर आते हैं, इमोशंस बहुत बढ़िया से वो निकाल पाते हैं, फील जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड मिस कर रहा है। तो इमोशंस के साथ ही फिल्म बनने वाली है, और एटली की फिल्म बड़ी ही जोरदार और जबरदस्त रहने वाली है, इसके लिए मेरे को कोई डाउट नहीं है। और हाँ, मुझे इस खबर पर 80% यकीन है, और मैं
मैं भी विश्वास कर रहा हूँ कि हाँ ये इंडिपेंडेंस डे पर 15 तारीख 15 अगस्त को ये अनाउंसमेंट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, फिंगर्स क्रॉस, आई एम वेरी मच श्योर कि ये होगा। तो विश्वास रखिए, खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और खबर शाहरुख खान से जुड़ी हुई है, तो ये खबर और इंटरेस्टिंग तो है ही है। चलिए फिलहाल के इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और जिन्होंने मुझे ये खबर बताया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।